सौरभ खान, आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं ये खास खबर। बाईस फरवरी को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन करेंगे और सीएमओ फरीदाबाद ने बताया कि इस सेवा से गरीबों को फायदा मिलेगा और साथ में सस्ता और बेहतर इलाज मिलेगा। और जब पिक्चर से सेव हो जाती है तो बाद में रिकॉर्डिंग हो जाती है, उसी के बेस पे फैसला लिया जाता है और जो रिकॉर्डिंग से रहती है और उसके बाद उसकी सेविंग होती रहती है और जो पूरा एंजियोग्राफी का प्रोसीजर पूरा सेव हो जाता है तो उसकी सीडी बना गया और फिर उसके बाद पेशेंट से ये इसी का सवाल है। करीब 48,000 रुपये में हम लोग यहाँ स्टेंट डाल के दे देंगे जिसमें सारे खर्चे शामिल होंगे और ये बीपीएल मरीजों के लिए और कुछ ऐसी इस तरह की और भी कैटेगरीज है जिनके लिए ये सुविधा फ्री भी निःशुल्क भी होगा। जिसको लेकर प्रेस हो आज आप लोगों को मैंने आमंत्रित इसलिए किया है कि परसों 22/2/2018 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी यहाँ नव स्थापित कैथ लैब, नव स्थापित डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन करने के लिए पधार रहे हैं। उसके लिए आप सब लोग आमंत्रित हैं। इस आमंत्रण को देने के लिए आप लोगों को आज मैंने आप लोगों से मुखातिब किया है। जो कैथ लैब है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, कितने स्पेशलिस्ट हैं उस कैथ लैब में? हार्ट से रिलेटेड करीब करीब सभी तरह की सुविधाएं पब्लिक को समर्पित परसों से हम करेंगे। उसमें इकोकार्डियोग्राफी होगी, टीएमटी होगी, एंजियोग्राफी होगी, एंजियोप्लास्टी होगी। कहने का मतलब कि यहाँ अब एंजियोग्राफी करने के बाद अगर किसी मरीज को स्टेंट डालने की ज़रूरत भी है तो वो स्टेंट भी डलना प्रारंभ हो जाएंगे। और मैं आपके संज्ञान में ये बात ला दूँ कि आज सुबह ही आज एक मरीज़ हमारे पास बीपीएल मरीज़ भर्ती हुआ है जिसको पेसमेकर लगने की ज़रूरत है और आज हमने ट्रायल बेसिस पे पहला टेम्परेरी पेसमेकर लगा चुके हैं और शाम तक इस बात का फैसला मेरे जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं वो करेंगे कि अगर परमानेंट पेसमेकर लगाने की ज़रूरत है तो ट्रायल बेसिस पे आज पहला परमानेंट पेसमेकर भी आज शाम तक हम लगाएंगे।